हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मुझसे शेयर कीजिएगा। इवनिंग का टाइम है और मैं देखिए यहाँ पे हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने ना दाल साफ़ की थी, ये है चने की दाल। तो चने की दाल भिगो दी थी मैंने और ये फूल गई थी अच्छे से, तो मैंने इसको वॉश करके रख दिया है। तो इसका पानी निकल जाएगा तब मैं इसको पीसूँगी मिक्सी जार में। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ धनिया पत्ता है, लाल मिर्च है और लहसुन है और हरी मिर्च है, तो बस इन सारी चीज़ों को निकाल लिया है। तो इसके साथ में मैं इसको भी पीसूँगी। तो पहले मैं दाल को पीसूँगी और फिर इसके बाद में ही सब चीज़ों को पीसूंगी। और थोड़े से ना मैं होल मसाले भी लूँगी, क्या लूँगी, कौन से मसाले लूँगी, तो वो मैं आगे आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी। तो एक अच्छी सी डिश बनाने जा रही हूँ, अभी नहीं बनाने जा रही हूँ, बनाऊँगी मॉर्निंग में, बट अभी मैं आप लोगों के साथ में प्रोसेस क्या है तो वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल पीस ली है, सेकेंड लॉट मैंने इसमें मिक्सी जार में डाल दिया है, इसको भी मैं पीस लूँगी अच्छे से। ज़्यादा हमें महीन नहीं पीसनी है, मतलब थोड़ा सा दरदरा सा रहे दाल का टेक्सचर, इस तरीके से पीसना है हमें। तो बस इसको भी पीस लेते हैं। और ज़्यादा महीन दाल हो जाती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, खाने में भी अच्छी नहीं लगती है, और मतलब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा फाइन हो जाती है, तो बिल्कुल टेस्ट चला जाता है उसका। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस दाल को पीस लिया है और बस इसके बाद मैं इसको भी निकाल के रख दूँगी अपने बाउल में। तो मैंने आगे थोड़ी सी दाल तो पीस ही ली थी और इतनी बची थी, तो ये भी पीसती है। तो इन सारी दाल को अच्छे से निकाल लूँगी और इसी जार में ना मैं धनिया पत्ता वगैरह जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं वो सब मैं इसी में पीसूँगी। और इसके बाद में फिर मैं उसको निकाल के इसी में दाल के साथ में मिक्स करूँगी। तो देखिए इसी जार में, सेम इसी जार में ले रही हूँ, हमें धुलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल ही तो पीसी थी और दाल में ही ये सारी चीज़ें मिलानी है, तो धुलने की क्या ज़रूरत है इसको। और तो बस इसी में सारी चीज़ डाल दूँगी। तो रेड चिली डाल दूँगी पहले मैं, तो यहाँ पे रेड चिली का ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बढ़िया अच्छी थोड़े से ना चिली फ्लेक्स सी हो जाती है ना, थोड़े मोटे मोटे से चंक्स आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ होल मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी की लकड़ी ली हुई है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े लिए हुए हैं। और यहाँ पे बड़ी वाली इलायची ली है, तो मैंने 2 इलायची ली है, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे जो डिश बनाने जा रही हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं पीस लेती हूँ इसको, और थोड़ा सा टाइम लगता है तो पीस, लेकिन जल्दी पीस जाती है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें पीस गई हैं, तो देखिए कितना ग्रीन सा पेस्ट बन करके रेडी हुआ है। और जब ये पूरी दाल में मिक्स हो जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया पेस्ट एकदम ग्रीन ग्रीन सा लगता है। और सॉल्ट मैं अभी इसमें नहीं मिलाऊंगी, जब मैं इसको बनाऊंगी तब मैं सॉल्ट मिलाऊंगी, अभी सॉल्ट नहीं मिलाना है इसमें, क्योंकि दाल ना पानी छोड़ देगी, फिर वो काफ़ी ज़्यादा पिचपिची सी दाल हो जाती है ना, तो फिर वो सही नहीं रहती है। जब हम अपनी जो डिश बनाएंगे तो उसमें फिर उसका फ्लेवर और फिर वो संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो मैं इसको मॉर्निंग में बनाऊंगी, इस वजह से मैंने इसको पीस के रख लिया है। और थोड़ी देर बाहर रखूंगी इसको, फिर इसके बाद में इसको फ्रिज में रख दूंगी और मॉर्निंग के टाइम पे इस पे इसकी एक अच्छी सी डिश बनाऊंगी। क्योंकि क्या है ना, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं मॉर्निंग में ये सारे काम कर सकूँ, तो मैं इवनिंग में ही प्रिपरेशन कर देती हूँ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे देखिए मेरे इवनिंग में जो मैं बनाने जा रही थी, डिनर की भी तैयारी हो गई है साथ साथ मेरे, तो यहाँ पे मैंने दाल भी बना दी है। दाल मैंने बस फ्राई करनी है, तो अभी फ्राई नहीं करूँगी, जब पापा जी आ जाएंगे तब मैं फ्राई करूँगी, सिंपल सा तड़का लगाऊँगी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं सिंक में, तो ये आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग तक के बर्तन हैं, दूध वगैरह है, मतलब दूध पीते हैं बेटू, उसके बर्तन हैं और भगोने वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए पापा जी आ गए हैं, तो कुछ सब्जियाँ लेकर के आए हुए थे, तो बस उन्हें सब्जियों को मुझे निकाल के रखना है, और जो सब्जियाँ बास्केट में करके रखनी है तो वो रख दूँगी। और यहाँ पे बेटू आ गए थे, कुछ बात कर रहे थे, तो बस ये है ना कि जब मैं काम करती रहती हूँ किचन में तो बेटू कुछ ना कुछ अपना काम बीच बीच में लगाते ही रहते हैं, तो किचन का भी काम देखना पड़ता है, बेटू को भी देखना पड़ता है, तो इसके चलते ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेथी लेके आए हुए थे पापा जी, तो इसको मैं इसमें बास्केट में करके रख दूँगी, थोड़ी हवा लग जाएगी, फिर मैं इसको ना नाइट में साफ़ कर लूँगी। तो टीवी देखते देखते मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, जैसे मटर छील के रखना, मेथी वगैरह साफ़ करके रखना, कट करके रखना। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया मंगाया था मैंने, तो धनिया पत्ता है, हरी मिर्ची है और कटहल लेके आए थे पापा जी, तो अभी कटहल ना अच्छा आने लगा है तो लेकर के आए हुए थे। और कटहल तो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर बेटू के डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो अभी है नहीं यहाँ पे। और दूध भी आ गया है, तो बस इन सारी सब्जियों को मैं रख दूँगी फ्रिज में, और इसको बास्केट को रख दूँगी मैं नीचे, और जब मुझे टाइम मिलेगा किचन के काम से फुर्सत हो जाऊँगी तब मैं ये मेथी को अच्छे से साफ़ करके और इसको अच्छे से चॉप करके रख दूँगी। तो बस ये मेथी, इतनी सारी मेथी
थी, दो बार के लिए इनफ हो जाती है, तो बस वही है। और यहाँ पे देखिए दूध का डब्बा निकाल दिया है मैंने, और ये झोला में जाकर के रख दूँगी इसके प्लेस में। और फिर मैं ना यहाँ पे आ गई हूँ तड़का लगाने के लिए, तो दाल बस फ्राई कर दूँगी और बस आटा लगाऊँगी, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं और बस आधे घंटे के अंदर ही फिर वो खाना वगैरह खाएँगे। तो पहले मैं दाल फ्राई कर दूँगी, फिर आटा लगाऊँगी, और फिर इसके बाद ना मुझे बर्तन वगैरह भी क्लीन करने हैं। तो जैसे जैसे टाइम रहता है मेरे पास में, मैं वैसे ही ना सारे काम एक साथ ही मतलब धीरे धीरे करती जाती हूँ, क्योंकि ना फिर रात ज़्यादा हो जाती है और फिर ना बेटू भी परेशान करने लगते हैं कि मम्मा लेट जाओ सो जाओ, तो इसके चलते ना मैं उसके जागते हुए ना सारे काम कर लेती हूँ, कि फिर बच्चा है ना थोड़ा सा उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल फ्राई कर ले रही हूँ, और फिर जैसे जैसे नाइट होने लगती है तो हमें भी आलस आने लगता है ना, कि मन नहीं करता है फिर काम करने का, तो लगता है कि चलो मॉर्निंग कर लेंगे, और मॉर्निंग में फिर इतना टाइम नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर टॉप गंदा हो गया था, क्योंकि दाल वगैरह पीसी थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा गंदा है तो मैं इसको साफ़ कर दूँ इसको, तो मेरी आदत है ना क्लीन करने की, तो बस मैं साथ के साथ क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो बस ये हैबिट है मेरी। और यहाँ पे देखिए मैंने बस काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है, तो बस मैं अपने जो दाल है तो दाल को फ्राई कर दूँगी। सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, पापा जी इसी तरीके से सिंपल तड़के वाली दाल खाना पसंद करते हैं, और शाम को ना मैं सिंपल खाना ही ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनको उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ना हमें थोड़ा सा ना बड़ा केयरफुली खाना पीना बनाना पड़ता है, ज़्यादा तला भुना खाना नहीं बनाना है, ज़्यादा मतलब मिर्च मसाले वाला नहीं बनाना है, तो इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखती हूँ। मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, इवनिंग में दाल के साथ में सब्ज़ी वगैरह जैसे सूखी सब्ज़ी है तो आप बना दीजिए, तो बस वो चल जाती है। बट ये है ना कि फिर ज़्यादा हम लोग लिक्विड वाली सब्ज़ी वगैरह शाम को थोड़ा कम ही बनाते हैं, क्योंकि पापा जी नहीं खाते हैं तो फिर अपने लिए क्या बनाओ, तो बस इसके चलते ना बस यही सब चीज़ें बस बनाती हूँ। सो फ्रेंड, दाल फ्राई करने के बाद मैं चटनी वगैरह बनाई, सैलड बना करके रखा, और इसके बाद मैं तुरंत मैं बर्तन वॉश करने लगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, सिंक पूरी भरी हुई थी, तो बस मैंने सोचा पहले मैं बर्तन क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी पापा जी को खाना खाने में टाइम है, तो बस इसके बाद में ही खाना वगैरह बनाऊँगी। मतलब बाकी तो सारी प्रिपरेशन हो ही चुकी है, दाल बन गई है और फ्राई भी कर दी है, बस चपाती बनानी है, तो बस मैंने कहा जल्दी से बन जाएंगी, कितना टाइम लगता है, तो बस इसके चलते मैंने कहा कि पहले मैं किचन में जो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं पहले मैं को क्लीन कर ले रही हूँ। तो बर्तन क्लीन हो चुके हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ घर से फ़ोन आ गया तो मैं बात भी करती जा रही हूँ, तो बस इसी ऐसे ही ना बस बात करते करते अपना काम कर लेती हूँ, तो टाइम का भी नहीं पता चलता है। और आप लोग देख ही सकते हैं बैंड लगा हुआ है हैंड में, और हैंड दर्द करते रहते हैं, तो इसी तरीके से दोनों हाथों में मुझे बैंड बांधना पड़ता है तभी सारे काम कर पाती हूँ, अदरवाइज़ हैंड में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। यहाँ पे देखिए मैं बात ही करती जा रही हूँ और अपने काम भी करती जा रही हूँ साथ में, और ब्लॉग भी मेरा बन रहा है, तो बस यही कुछ काम होते हैं इवनिंग के टाइम पे, तो बस कर लेती हूँ अपने, और काम करते करते ही सब लोगों से बात हो जाती है, नहीं तो बैठ के मतलब फुर्सत में बात करने का टाइम नहीं मिलता है, कि फुर्सत में कब बात करो, तो फुर्सत ही नहीं मिलती है तो बात क्या करेंगे, टाइम कैसे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए दूध भी गर्म कर ले रही हूँ साथ के साथ, तो सबसे पहले मैं दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए, फिर इसके बाद मैं लगाऊँगी आटा, और आटा लगाने के बाद में फिर बस चपाती बनाऊँगी, और पापा जी को मैं खाना लगा के दूँगी, क्योंकि अब उनके खाने का टाइम हो गया है, तो बस वो भी साथ ही साथ काम करूँगी। तो यहाँ पे दूध मैंने छान दिया है, और पापा जी जब आते हैं ना तो साथ में ही दूध लेकर के आते हैं, और हमारे गाँव के पास में ही दूध मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा दूध आता है वहाँ से, तो वहीं से मंगा लेते हैं दूध, और यहाँ से नहीं मंगाते, यहाँ तो पैकेट आता है, बट ये ना पैकेट वाला क्यों लेना जब पापा जी रोज गांव ही जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ले आया करेंगे वहीं से, तो वहीं से वो ले आते हैं। तो बस एक साइड में ये दूध रख दूंगी,
पकने के लिए, और बस मैं फिर बनाऊंगी चपाती। तो बस यहाँ पे देखिए मुझे फिर से कुछ गंदगी लगी, तो फिर मैंने बस काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, क्योंकि ना पानी वगैरह गिरता रहता है, जैसे हमने अभी बर्तन क्लीन करे हैं तो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप में पानी वगैरह रह जाता है ना, तो मैं इस तरीके से पोंछ देती हूँ, क्योंकि ना फिर खाना वगैरह बनाओ ना तो पूरे में पानी वगैरह फैला रहे और गंदगी रहती है, तो फिर मन नहीं करता काम करने का। और काउंटर टॉप क्लीन रहता है तो बड़ा मन अच्छा रहता है और काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ चपाती बनाने के लिए, तो आटा मेरा लग गया है, बस मैं बना दूँगी चपाती और लगाऊंगी पापा जी के लिए खाना। सो फ्रेंड, इवनिंग के टाइम पे साथ के साथ सारे काम करते जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता है, और काम भी बड़े टाइम पे ही पूरा हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ मेरा रूटीन रहता है इवनिंग टाइम पे, तो मैं टाइम से ही सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। सो फ्रेंड, पूरे दिन में तो टाइम नहीं मिलता है, बट इवनिंग के टाइम पे ही ये टाइम ऐसा होता है कि जब मैं काम के साथ साथ अपने घर वालों से भी बात कर लेती हूँ, और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं मेरी, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो बस यही टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि काम भी हो जाता है साथ साथ बात भी हो जाती है। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से था मेरा आज का इवनिंग रूटीन वर्क, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जो भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।